निर्मला जी। तो चलिए दोस्तों, उस दिन यहाँ पर बच्चों का शोर ज्यादा होने की वजह से और यहाँ पर रेडियो बजने की वजह से मैं उस दिन चांद के पार चलो की बातें आप लोगों से पूरी तरीके से नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने किस किस तरीके से चांद के पार चलो की वीडियो को यूट्यूब पर डाल करके व्यूज पाया और कितना पैसा मैंने उससे कमाया। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा उस वीडियो पर 4 करोड़ व्यूज है। 4 करोड़ व्यूज का मतलब कि मैं 10 लाख रुपए से ऊपर उस वीडियो से कमा सकता था, लेकिन जो गलतियां मैंने की उसके बारे में पहले जानता नहीं था, जिस वजह से मैंने वो सारी की सारी अर्निंग छोड़ दी, यानी कि मेरी गलतियों की वजह से वो अर्निंग मुझे नहीं मिल पाई। आज उसका हकदार मैं नहीं बल्कि कोई और है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कॉपीराइट। तो मेरे भाई, मैंने इस म्यूजिक को जब बनाया था तो मुझे इतना जानकारी नहीं था कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे डाली जाती है और कॉपीराइट क्या होता है। अगर मुझे पता होता कि कॉपीराइट आने से मुझे ये दिक्कतें हो सकती है या मेरा वीडियो इस तरीके से इतना वायरल होगा, तो मैं ये गलती कभी भी नहीं करता और उस गाने को मैं मेरे भाई कुछ भी करके नॉन कॉपीराइट उठाता और उसी के बाद मैं उसको एडिटिंग करता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैं नैनीताल गया था। नैनीताल जाने के बाद मुझे पता लगा कि यार चांद के पार चलो मूवी हमारी यहीं पर शूट हुई थी और उस मूवी में जो जो सीन लिए गए थे उन्हीं कुछ जगहों पर खड़े होकर के मैंने कुछ वीडियो क्लिप शूट किए और उन वीडियो क्लिप को मैंने चांद के पार चलो गाने के साथ एडिटिंग करके बहुत मस्त तरीके से उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ मेरे भाई, वो था वीडियो वायरल का। वीडियो वायरल बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, बहुत अच्छा मुझे मोटिवेशन मिल रहा था, अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल रहे थे। मैडम फोटो खिंचवाएंगी, बहुत अच्छी फोटो खींचता हूँ। उन सब चीजों को देखकर मुझे YouTube पर आने का मन बना कि यार मुझे YouTube पर आना चाहिए, मुझे इसी तरीके की और भी वीडियो डालनी चाहिए, लेकिन मुझे उन चीजों की नॉलेज नहीं थी और मैंने उस चीज को अनदेखा कर दिया, क्योंकि YouTube भी उसी चीज को मानती है, यानी कि हमारा जो कंटेंट है, अगर हम उसी कंटेंट के ऊपर उसी तरीके की वीडियो बना करके डालना शुरू कर देते तो हमारी ऑडियंस उसी तरीके की वीडियो को देखना स्टार्ट करती है। जैसे आज भी मेरे चैनल पर मेरा चांद के पार चलो गाना ही वायरल हो रहा है और मैंने उसी तरीके की एक वीडियो और बना करके डाली थी, तो मैंने देखा कि उस पर व्यूज चांद के पार चलो वीडियो की वजह से ही अच्छे खासे आ गए। लेकिन मुझे जो कंटेंट डालना मेरे भाई, आजकल कंटेंट मैं लॉन के ऊपर डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे यार थोड़ा इन चीजों में इंटरेस्ट कम है। मुझे गानों की एडिटिंग करने का बिल्कुल भी शौक नहीं, मेरा शौक मेरे भाई कुछ अलग तरीके का है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के काम आना, किसी के सुख दुख में दुख के हिस्से का भागीदारी बनना, उसको वो चीज बताना जो उसके लायक हो। तो मेरे भाई मैंने उसी चीज को देख करके एक सम्मा जलाई थी हवाओं के खिलाफ, जिसमें मैंने ग्रुप का नाम भी रखा था एक लड़ाई लूट के खिलाफ। तो इसमें मेरे भाई मैं लोन से लेकर के कंटेंट आजकल बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो आजकल छोटी मोटी उन लोन एप्लीकेशनों की ठगी के शिकार होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा मुद्दा हमें लोगों की सेवा करने का और कोई मिल ही नहीं सकता, यार हमें लोगों को उन एप्लीकेशनों द्वारा ठगने से बचाना है, इसलिए मैंने मेरे भाई चांद के पार चलो कंटेंट को छोड़ा। बाकी आप लोग अगर चाहते हैं कि चांद के पार चलो कंटेंट पर भी मैं और वीडियो लेकर के आऊँ और भी इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूँ, तो मेरे भाई मैं आप लोगों को 1-to-1 करके वो जानकारी भी दे दूँगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। बाकी मेरे भाई मेरा जो कंटेंट रहेगा वो लोन से लेकर उन गरीब लोगों की हेल्प करना रहेगा, जो लोग बेचारे अनजान हैं और किसी भी वीडियो का रिव्यू देखकर अचानक से फंस जाते हैं और उसके बाद मेरे भाई उन लोगों को पछतावा होता है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मेरे भाई मैंने इसी चीज को देखते हुए उन लोगों की हेल्प करने की सोची है। बाकी आप लोगों को अगर मेरा एक कदम अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ा दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो ला करके मैं सब लोगों की हेल्प कर सकूं और उन लोगों के काम आ सकूं। मैं हमेशा मना करती थी लेकिन तुम नहीं माने। गरिमा प्लीज मुझे कहने दो।